ग्रेनेड बोटी खाऊं कि मटन शिनवारी फोड़। हिरन बोटी को खाना है कि चिकन कढ़ाई को इस हस्ती से मिटा दूं। इस बढ़ती उम्र में फिट रहना है कि रोटी फोड़ते रहना है। चलो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कोच कहता है कि मुंह पर ताला लगा लो और कसरत ऐसे करो कि तुम्हारा जिस्म तुमसे कहे, पायण हूं तू वद रोटी खादी ना तो मैं तेनू आहो। लेकिन ये मुंह पर ताला तो तब लगेगा ना जब ये डिसाइड हो के मैं खाने के लिए जी रहा हूं कि जीने के लिए खा रहा हूं, क्योंकि दोनों बातें मुझे सैड लगती, दोनों बातों में एक शदीद किस्म की सैडनेस है। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ जीने के लिए खाते हैं। मैं जीने के लिए खाता हूँ। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, लोग खाने के लिए ही जीते हैं। मैं गोश्त के बगैर नहीं रह सकता। मैं कमाने के लिए खाता हूँ। मैं कभी कभी खाने के लिए जीती हूँ, फिर जब डाइटिंग करनी होती है तो फिर जीने के लिए खाना पड़ता है। मैंने काम शुरू इसलिए किया था कि मैं कुछ कमा लूँ, अपना कुछ कर लूँ, तो अब मैं खाना खाता हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं पैसे कमाऊँ। दानिश, ये खाते खाते जी रहे हैं फिलहाल तो, और ऊपर से नया काम जिम ज्वाइन कर लिया। जिम में मेहनत तो करते हैं, बाद में भूख नहीं कंट्रोल होती, बहुत बड़ा मसला है। मैंने हाजी साहब को बोला कि तीन ऐसी जगहें ले जाएं जहां पर मैं रज के हेल्दी खाना खा सकता हूं। हाजी साहब ने कहा जी एक जगह ढूंढी है आपके घर के करीब है, सुरीला टिक्का, सदर बाजार के अंदर ऑपोजिट HBL बैंक मेन ब्रांच है उसके सामने। पहली रात आया हूँ बाहर खाना खाने, मेरे फूड कंसल्टेंट हाजी साहब ने कहा यार सुरीला टिक्का जाएंगे खाएंगे, उस खाने में सुर भी है और उसके बाद सुर के साथ साथ आप डांस भी करेंगे और पतले भी हो जाएंगे। है साहब सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना दिल कंबला डुब डुब जावे, दिल कंबला डुब डुब जावे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। ओए होए 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 बहुत चस्क रहेगा वो, यकीन करें। मलाई बोटी नेबलेट हो गया, हाँ हो गया, जो चीज बोटी हो गई, मक्खनी टिक्का हो गया, जो रनिंग में ज्यादा जाते हैं वो भी हो गई। वेटर से वैसे पूछ लिया गया और क्या है? जो वो बताता गया सर के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज आई है, जो को छेल ले आए लाओ लाओ। रोटी आ गई है और हमने सब कुछ मंगवा लिया है लाओ। तो यार हमारे पास है हिरन बोटी, ठीक है ये हिरन की नहीं है ये चिकन की है, लेकिन इसका नाम इन्होंने रखा हुआ हिरन बोटी। फिर हमारे पास मलाई टिक्का है, हमारे पास मलाई बोटी है, फिर टिक्का पीस है, बीफ बोटी है, टिक्का बोटी है और विंग्स यानी कि नेबलेट भी। फाइंडिंग आउट व्हाट दे एंजॉय इज ऑलवेज माय फर्स्ट स्टेप। ये है जी हिरन बोटी। हिरन बोटी, हिरन बोटी पे ना हल्की सी उन्होंने चीज की लेंटर डाला हुआ था, हाजी साहब के दिमाग में चीज का लेंटर डाला हुआ था। मैंने वो खाई है, मैंने कहा वाह जबरदस्त किस्म की चीज है इसके ऊपर। मजा आ गया। सपाटे, उठक बैठक, रस्से, ये इतने मजे की, ये तो मलाई बोटी कैसी होगी। और ये मलाई की तरह पिघल भी गई मुंह में जाकर, आहा इसी तरह भाई का पेट का फैट पिघलेगा जिस तरह ये बोटी पिघल गई। मैंने फिर सर को बताया, मैंने सर जी वो जिम ज्वाइन किया आपने, सर हाथ कंट्रोल करें, मुझे बड़े आराम से कहते हाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं मैं पी रहा। ओ यार कार्निवोर्स बने जिंदगी में, जिंदगी में गोश्त चाहिए, ये घास फूस खा के जिंदगी नहीं गुजरती। मगर पीछे उन्होंने बख्शिया कुछ नहीं,
सब कुछ टैस नैस करके रख देता। देख लें भाई, सब कुछ खा लिया, एंजॉय भी कर लिया। आपके भाई ने फोड़ दिया सर। अर्ज किया है, खाया कुछ इस अदा से रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे होटल को वीरान कर गया। सुरीला, आई विल गो देयर अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओह, लव यू हो गया यार। आई वुड ओनली रेकमेंड बारबेक्यू, उसके अलावा सारा कोलेस्ट्रॉल फिल्ड खाना है। अगर वेट लूज करना है ना तो थोड़ा सा ड्रास्टिक चेंज लाना पड़ेगा। यहाँ पे लाहौर में पार्टी क्या है वो है खाबे, सुबह दोपहर शाम रोटी खाते हैं और खुश रहते हैं जिंदगी में। ये तो सुरीला से फारिग हुए तो उसके बाद पता चलता है मुझे कि अभी ये इन्होंने टेस्टिंग की है कि हाँ जी ठीक है, हेल्दी फूड ऐसे खाते हैं। और अगला दिन फिर मैं ले गया दिल्ली माउस। इन्होंने कहा यहाँ का बारबेक्यू खाएंगे आप कभी भी मोटे नहीं होंगे। मेरा एक दोस्त है मिस्टर राफे। हेलो एवरीबॉडी, ही इज माय जिम फ्रेंड। ये मेरे जिम फ्रेंड भी हैं और मेरे बचपन के दोस्त नहीं है लेकिन अच्छे दोस्त हैं। तो ये फिट है, इनको यकीन नहीं है कि मैं कभी हेल्दी खाना भी खा सकता हूँ। दोस्त में पता है ना दोस्त कैसे होते हैं, मुफ्त का खाबा एवरीबॉडी वांट्स। अगर दोस्त किसी से मिलने आता ना, यार चल यार रोटी खा, ठीक है। अब मुझे वो कहते ना रोटी खा, मैं कहा यार तू दस मेरे को की खाना, ठीक है। मुझे ये लालच ना दो, मैंने पैसे दस पैसे मिलेगा क्या। आज साहब आज शर्मा रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि इनको रोटी नहीं मिलनी। नहीं नहीं अभी सर आप आए हैं, अंदर तो आए जरा, अंदर तो आए, अंदर तो। खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं? ओह दुनिया पलट गई। ओके, सेसमी बोटी, चिकन बोटी, मलाई बोटियां ये वाली ऑर्डर करते हैं क्योंकि देखो हेल्दी खाना है तो ऑयल कम से कम। बारबेक्यू की लिमिट नहीं, प्रोटीन इज गुड फॉर यू। बार बार बारबेक्यू, BBBBQ। वहां पर एक आइटम थी, वेटर ने कहा कि जी आपने ग्रेनेड खाया हमारा ग्रेनेड। मैं कहा ग्रेनेड मारते हैं खाते थोड़ी। बारबेक्यू हेल्दी मील हमने किया है, उसके अंदर बहुत कुछ है, वो आएगा तो हम दिखाएंगे। 30-35 मिनट्स में मैं इधर रनिंग करके आता हूँ। जिंदगी में दो ही चीजें, खाना और एक पीना, खाने पीने के लिए जीते हैं। मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मैं काम करता हूँ। यार ये होती है ड्रमस्टिक, उसको हम बारबेक्यू करते हैं, फिर जब ग्रिल से उतरती है उस पर हम एक फैट की लेयर चढ़ाते हैं। फिसल गया, मैं कहा ले आओ फिर ग्रेनेड। उसने कहा मेरे पास पाटा बोटी भी होती है, पाटा तिक्का, कलेजी के ऊपर फैट होती है। मैं उधर भी फिसल गया। खुशी मुझे जिंदगी में खाने से मिली, मेरा मसला ही अब खाने के लिए जी रहे हैं तो फिर आप असल में खाना खा के मरना चाह रहे हैं। I want to get fit, right? So I got my fit friends with me. मैं अच्छे गाने सुनता हूँ। मैं फिर बीच में जब भूख लगती है तो मैं खाना भी खा लेता हूँ। खाना दिन में एक दफा खाएं, बहुत उसका कोई फ्यूचर नहीं है। His future is finished and there is no hope क्योंकि वो सिर्फ जो है खाने के लिए जीता। ग्रेनेड भी आ गया, पाटा बोटी भी आ गई, पाटा बोटी। राफे मेरी शक्ल देख रहा था कि भाई तू किस जोन में। मैंने उसे कहा था नान नहीं खाऊंगा, कुलचा नहीं खाऊंगा। जब ग्रेनेड उठा के उसकी पहली बाइट ली भाई, उसके फैट की जो सॉल्ट था और उस ड्रमस्टिक का जो अपना फ्लेवर था, वो हेल्दी और नॉट, ये मेरे मुंह के अंदर आके पार्ट टूट गया है ग्रेनेड। भाई तो बड़ी मजेदार चीज है ये। लव यू आजी साहब, क्या मतलब कि लव यू सीन हो गया था, मजा आ गया खा के। हाय, एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। ये नहीं, दानिश को भी जिंदगी में खाबे चाहिए और खुले खाबे चाहिए, जो कि अच्छी बात है। मैं तो सुनता हूँ खाए, जिंदगी होती खाने के लिए। इनको कुछ समझ नहीं आता, ये होशोवास खो बैठते हैं अपना, इनको आप जो मर्जी लॉजिक दे दो ना। नहीं वो कोई बोटी सी, हाँ हाँ हाँ, मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसकी 4-5 प्लेटें और मंगवा लूं। दानिश जैसे भी हैं मुझे वैसे ही पसंद हैं। पटा दिखा,
देखा मुझे नाम याद आ गया, ये पट्टा दिखा और ये है कलेजी है, और ये कलेजी है और उसके ऊपर उन्होंने चर्बी लगाई हुई है। यू वेंट रॉन्ग, बड़ी सही बात किया, इसका बड़ा मजेदार टेस्ट है। हम बोलते हैं स्क्वाट, वो बोलते हैं स्क्वाट, समझा करो। अगर आप फूड ब्लॉगर हैं, अगर आप एक फेमस पर्सन हैं, आप फेम आपके पास है, लोग आपको देख रहे हैं, तो फिर आपको ना मेंटेन करना पड़ता है। राजू साहब ये कि मैं डेली खाऊंगा तो पतला हो जाऊंगा, मुझे लगता ये डेली खा के पतले हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो ब्रांड आपके पास क्यों आ रहा था, एडा मोटा आ रहा था, कुछ नहीं जाना, मतलब इससे क्या बनाएंगे यार। मैंने ना अपने वेट का एक बेंचमार्क रखा हुआ है, ये जब मेरे सूट मुझे फंसने लग गए तो फिर मैं कहता हूँ नहीं यार, अब इतना को वापस आना कि सूट में पूरे आ। अब है मलाई बोटी का टाइम, कंप्लीटली डिफरेंट टेस्ट, आई थिंक द मलाई बोटी इज आल्सो वेरी गुड। इस तरह के दो तीन मील और लिए ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वेट जो है ना वो आपका जरूर, मुझे कम होता हुआ नहीं गेन होता हुआ नजर आता है। मसला ये है कि मैं खाने को देख के ना जरा फिसल सा जाता हूँ, जिस तरह मछली नहीं पानी में करके फिसल जाती है, उस तरह भाई आपका फिसल जाता, मैं उधर ना फिसल गया। ये जिम जाएंगे, ये अपने आप को तसल्ली देंगे, उसके बाद जाके फिर ऐसा खाना खाएंगे कि उस जिम का भी कोई फायदा नहीं होगा। पता नहीं आजकल वो किस ट्रेनर बेचारे की जिंदगी जाप कर रहा होगा कि वो उसको मेहनत करा रहा होगा और उसको पता भी नहीं है पीछे पीछे क्या कर रहा है। अब तिक्का बोटी आप लोग वीडियो बनाते रहे, मैंने फोटो देना हमें तो यही होता था बस दो अंडे खा लो बॉयल, जी हम एक्सरसाइज करके आए हैं, दूध पी लो। ये नई डाइट सुनी है, इनका कोच चाहता है इनका वजन कम ना हो, कम हो गया तो इन्होंने क्लब नहीं आना। Then your whole life is you enjoying food and working out. That's where I'm gonna get you. ये बड़े अफसोस की बात है कि वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। मैं जब लोग मुझे उसके साथ देखते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप इतना जिम जाते हैं, आप इतनी स्पोर्ट्स खेलते हैं और आपका दोस्त है वो, तो आपको शर्म नहीं आती कि उसने अपना हाल नहीं देखा कि उसका क्या हाल हुआ? All good things in life are either fattening, illegal or married. मैंने कहा यार चीट डे है तो फिर पराठे रोल होने चाहिए, मैं चला गया देसी अवन, पराठे मंगवाए मैंने तीन अपने लिए। अपनों में ईद मनाने, नहीं अपनों में ईद नहीं, अपनों में चीट डे मनाने के लिए मैं आ गया हूँ DHA फेज 5 में देसी अवन पे रोटी फोड़ने। तो ट्रेनर ने ये बोला था कि भाई जो चीट डे होगा ना उस पर जो दिल करेगा खा लेना, इंजॉय करना। चीट डे हर किस्म की डाइट पे प्लेस कर सकते हैं हम। सो फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज ईटिंग बैड ऑल वीक, दे कैन चीट ऑन देयर बैड डाइट विद अ गुड मील, ठीक है? इट गोज बोथ वेज। आई ऑनेस्टली डोंट बिलीव इन अ चीट मील, आई बिलीव इन हैविंग व्हेनेवर यू आर इमोशनली डाउन एंड फूड स्टिम्युलेट्स यू और एक्साइट्स यू और मेक्स यू हैप्पी, आई रेकमेंड दैट टू माय क्लाइंट। मेरे साथ मौजूद हैं हाजी साहब एंड मिस्टर हमजा। चीट डे ये होता है कि आपको कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको रेगुलर बहुत ज़्यादा खा के फ़ायदा ना हो या आपको मना है या आपके लिए हेल्दी नहीं है, वो आपको एक दिन खा के अपनी रूह को सुकून दे ले। दो चिकन बिहारी रोल कर दो और एक बीफ बिहारी रोल कर दो। जिस चीज़ का कंटेंट बनाना ना वही मेरा चीट है। हाँ, अब वो चाहे कीमे वाला नान है, चाहे वो पाए हैं, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो आप कह लें कि लैम कढ़ाई है, दुम्बा कढ़ाई है, कुछ भी है, जो मिल गया वही मेरी चीट है। मजे की बात है कि हम दो अनफिट लोग, मैं और दानिश, अब यकीन करें हमारी मुलाकात जो है वो जिम में हुई। पराठे मंगवाए मैंने तीन अपने लिए। कुछ लोग पूछते हैं यार आप इतना खाते हैं और इतना, अब वो उनको ये नहीं पता कि जो कैमरे पर नजर आ रहा है सिर्फ वही खाते हैं, उसके बाद बाकी टीम खाती है। खाने से आगे जिंदगी है, खाने पे इतना नहीं होना चाहिए बंदे को। यार खाने के लिए जीने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि खाना तो उतना ही आप लोग मिल रहा है जितना आपके नसीब में लिखा हुआ। ये हम खाने लगे हैं, चीट डे का आगाज होने लगा है। ओह हम्म, यार कराची के रोलों का मतलब याद आ गई मुझे, देसी अवन का
क्या खूबसूरत उनका जो है ना चिकन बिहारी रोल है और बीफ बिहारी रोल है, मजा आ जाएगा खा के। फिटनेस के बारे में बहुत सोचा है बट है जरा मुश्किल काम आपको तो बता देना चाहिए। मगर मैं देख के रहा हूँ कि चिकन भी उड़ा गए बीफ भी उड़ा गए, और अगर हम ना मांगते तो यकीन करें हमें मिलना भी नहीं था। चीट डे आपका है यार, हमारे ऊपर ये जुल्म क्यों साथ? मुझे लगा होगा ये खाना खा के आए हैं, तो मैंने शुरू किया है तो उन्होंने कहा सर सानू भी भूख लगी सानू भी दे दे। उसके अंदर क्या चटनी है और क्या बिहारी है, वाह। सर एक बात बताएं, और हमारा आपके चीट डे के वजह से हमारा गेन कर गया वेट, तो हम फिर क्लब ज्वाइन करें? बाबी खा के भाई थक गया था, पहले सीरियस हो जाए जिम। मैं वैसे अपनी अम्मी के लिए तो शाहरुख खान हूँ ही और फिट भी हूँ। यार जिंदगी में ना मिर्च मसाला चाहिए, जिंदगी में स्पाइस चाहिए आपको हर चीज में। तो अभी आगे हमारे साथ क्या होता है वो नहीं पता, मगर अभी ये तो मैं आपको फिनिश करके दिखाऊं। अच्छा रात वाला जो खाना था ना चीट डे का। हाँ जी सर, चीट डे बनाया जा रहा है आज तो, चीट डे ठीक है ना। तो हाजी साहब ने वहां पर इंतजाम किया हुआ तो वहां हम चले गए। जैसे ही हम एंटर होते हैं बकरे की रान को देख के लटकते हुए सर ने, पहले तो उनके मुंह में पानी आया, मुझे समझ आ गई लो जी आज मटन की खैर नहीं है। जैसे ही अंदर गया तो वही आवाज आई शनिवारी, क्योंकि दो हफ्ते में एक दफा आता है भाई का चीट डे, पूरा दिन मैंने खाना खाना है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब आप मुझे बात आए, एक तरफ एक बॉल ऑफ सैलेड है, दूसरी तरफ आप ये सोचें एक ताज़ा रान रोस्ट हुई हो, मटन की बिरयानी हो, साथ ऊपर पालक हो, आपकी गरम गरम सीखों से उतरती मलाई बोटी हो, ओए होए 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 होए, जिंदगी की असल चास तो उसमें है। मैं हूँ आपका फूड साइंटिस्ट। भूख लगी हुई थी इतने दिन से, मैं नान नहीं खाया हुआ था, मैंने रोटी नहीं खाई हुई थी, वहां आई आपकी सीधी सीधी, हमने शनिवारी ऑर्डर की, साथ मैंने एक चिकन कढ़ाई ऑर्डर की और मलाई बोटी तो एक ट्रेडमार्क है वो भी आ गया साथ। फिर यहाँ पे नहीं याद आया इन्हें कि फैट होता है उसमें नान में, ये फिर नान रोटियाँ रहते सलादा सब कुछ उड़ा कर रख देता रानी साहब ने। यार नान भी आ गए हैं, ओ देखो तो सही, मलाई बोटी भी आ गई है, शिनवारी भी आ गई है और चिकन कढ़ाई भी आ गई है, साथ फ्रेश नान है, रोटी है, सलाद है, रायता है, भाई आज तो पार्टी है आज साहब। डोंगे में किसी बड़े देखचे में चम्मच, और आप वहां से अपनी प्लेट फिल करने लगे और आपके चमचे के अंदर आ जाए ना लेग पीस, तो आपको मान लेना चाहिए कि आप दुनिया के लकी तरीन इंसान हैं। वो लेग पीस आता है तो दुनिया बदल जाती है। मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, ये क्या जिंदगी है, सूखी घास फूस खा ली, उबले हुए अंडे खा लिए, कोई आपने ब्रोकली खा ली, वो तो वैसे ही हलक से नहीं उतरती। और सबसे बड़ी बात, मैं दो मिनट के लिए बाहर गया हूँ, मैंने कहा था देखो ये कढ़ाई शढ़ाई कैसे तैयार करें, वापस आए हो तो आधी से ज्यादा टेबल उड़ा कर रख दी इन्होंने। सर ये चीट डे था, आपने तो चीट कर दिया मेरे साथ, जब तक मैं आया हूँ सब कुछ उड़ा कर रख दिया। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, प्लेट कोरमे की आए तो कुछ कुछ होता है। फूड साइंटिस्ट अपनी में फील है भाई। मुझे लगा कि शायद मुझे दिखाने के लिए लाए कि खाना ऐसे खाते हैं, मुझे खिलाने के लिए लाए थे। ये लिया हमने शिनवारी का पीस और रायता को नहीं छोड़ना क्योंकि वो जरा प्रोबायोटिक होता है, इट्स गोना लाइन योर स्टमक, यू विल फील मच बेटर।
एंड अगर आप रायता खाते रहोगे देन यू कैन मूव ऑन टू अ लिटिल बिट ऑफ मलाई बोटी। मलाई बोटी बाप दो बहुत ट्रेडिशनल मलाई बोटी है, मतलब इसमें कोई नया टेस्ट नहीं है इसकी मलाई बोटी में। आई थिंक मेहनत की होगी तो चीड़े आएगा ना, मेहनत की नहीं है तो फिर तो चीड़े है ही नहीं। बंदे को बोटी ही पता करना है क्या? चलें नहीं मंगवाएंगे। कैसा लगा आपको मेरा चीड़े? सर जी आपका चीड़े मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे समझ आई है चीड़े था कि चीड़े था। जो मसाले सबसे सेट है ना वो मटन चंपारी के हैं। जिम जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है। असल में बात यह है कि भाई अगर आप हेल्दी खा रहे हैं ना तो ट्रेनर मेरा ये कहता है कि भाई जितना खा रहे हो उतना निकालना भी है, एज इन लाइक बोला निकालना भी, उतना बर्न भी करना है। तो वो मैं कर रहा हूँ, कैलोरी काउंट्स चल रहे हैं, फोड़ रहा हूँ और वो कर रहा हूँ, वेट उसके साथ साथ आराम से कम होता रहेगा। खाने के लिए तो नहीं जीते, जीने के लिए ही खाते हैं, लेकिन अगर खाना मिल जाए तो छोड़ते भी नहीं है। यार मैं बातें कर रहा हूँ, वैसे मैं बड़ी सख्त डाइट पे हूँ, ठीक है ना, ये मैं आपको बता दूँ। You can eat whatever you like within the required restriction of a calorie count. That's it. Cheating कर दी यार, दो मिनट के अंदर अंदर सब कुछ खा गए। ओह अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने किसी cheating day था कि cheat day था? Yes. तो मैंने किसी cheating भी की है और अपने साथ भी अपने body system को बताया, fitness के अंदर आपको अपनी body से cheat करना पड़ता है। ये वो वाला दिन था तो मैंने यार सारी चीजें को आगे फाड़ दी थी मैंने, फिर उसके बाद सर जिम जाएंगे। हाँ जी, तो ये ऐप फाड़ दियो। इससे पहले कि आज तू आए मेरी आंखों में फिर लहू आए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, तेरे नाल रोटी खान नहीं जाऊंगा। ऐसे से मैं अपने अपने ख्यालात दसे थे। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी पाए वाली वीडियो मैंने देखी थी, इसमें आपने तो बोला था कि आपको किसी ने कहा था कि असल पाए आपने खाए नहीं इसलिए आपको पाए पसंद नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि लाहौर में असल पाए मिलते ही नहीं। ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम ये पैसे देंगे।